Hello, Shining Stars. This is your mentor, Aparajita, with your social studies class. And let's start chapter number 11 of Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 4 by Brain Root Series. The chapter is Natural Resources. Aaj hum padhenge kiske baare mein? Natural Resources ke baare mein. So, what's there in sub and substance? Natural Resources. Then types of natural resources, renewable resources and non-renewable resources. Need for conservation of resources. Kya zarurat hai resources ko conserve karne ke liye? Kyun zarurat hai? Ways of conserving natural resources. Difference between renewable and non-renewable resources. Look at these pictures and encircle the correct option. Yahan kuch pictures di gayi hain, children. और नीचे आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है. अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये नेचुरल है या मैनमेड है? दिस इज नेचुरल, क्योंकि नेचर हमें फ्लावर्स देते हैं, प्लांट्स देते हैं, ट्रीज देते हैं, ग्रास देते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय द नेचर, सो दिस इज नेचुरल. सर्कल नेचुरल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ वॉच, घड़ी है ये. तो ये मैनमेड है या नेचुरल है? दिस इज मैनमेड. व्हाट्स दिस? दिस एनिमल इज नेचुरल और मैनमेड? दिस इज नेचुरल. नाउ नेक्स्ट लुक, थ्री मोर पिक्चर्स आर देयर. इसमें भी वही बताना है आपको कि ये नेचुरल है या मैनमेड है. दीज क्लॉथ्स, क्या ये नेचुरल है, आपको नेचर ने दिए हैं, या मैनमेड है? दीज आर मैनमेड. माउंटेन्स, दीज आर नेचुरल. कंप्यूटर्स, man-made. Okay? Now, natural resources. क्या है ये natural resources? क्या होते हैं? Nature has gifted us air, water, minerals, plants, animals and birds. ये सभी चीजें हमें nature से मिलती हैं. These valuable and useful substances and sources of energy from nature found on the earth are called natural resources. और ये जो वैल्यूएबल और यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. किससे दी है हमें? नेचर ने, अर्थ को नेचर ने दिया है, और इसे कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. ऑन द अदर हैंड, थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जब ह्यूमन बींग्स कोई चीज बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. All these resources help us in meeting our daily needs. Now the types of natural resources. Natural resources ke kya types hain? Natural resources are of two types, renewable and non-renewable resources. First let's read about the renewable resources. Renewable resources are resources which can be used repeatedly and replaced naturally. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं और उनको नेचुरली रिप्लेस किया जा सकता है. दे कैन बी ग्रोन बैक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, और छोटे से टाइम के अंदर ही उसको दोबारा से बनाया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, विंड, वाटर, बायोमास एंड सोलर एनर्जी. देयर यूजेस आर गिवन बिलो. अब विंड, इन सब चीजों का यूज क्या है? Wind is used to generate electricity using windmills. Windmills ka use karke aur wind ka use karke electricity generate karne ke kaam aaya jata hai. River water and tides are used for generating electricity. Again, river water aur tides ko bhi electricity generate karne mein kaam liya jata hai. Biomass energy is derived from organic material that comes from plants and animals. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है ऑर्गेनिक मटेरियल, उससे बायोमास एनर्जी डिराइव की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल वेस्ट. नाउ सी, दिस इज विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पंखा घूमता है जब विंड चलती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नाउ दिस बायोमास एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड काउ डंग्स. Biomass is used for heating and cooking, especially in rural areas. आपने देखा होगा cow dung के, उनको क्या बोलते हैं,
कंडे बोलते हैं, उसको यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए, फाइन, स्पेशली कहाँ पे, विलेजेस में. सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन. अब सोलर एनर्जी, ये तो बायोमास एनर्जी थी जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है, अब सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? इट कम्स फ्रॉम द सन. इट इज़ हार्नेस्ड यूजिंग सोलर पैनल्स. उसको कहाँ लिया जाता है? सोलर पैनल्स में लिया जाता है, हार्नेस किया जाता है. इट इज़ यूज इन अप्लायंसेज लाइक हीटर्स एंड सोलर कुकर्स. हीटर्स में और सोलर कुकर्स में यूज़ किया जाता है. सी, दिस इज अ सोलर कुकर. नाउ इंटरप्रिटेशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज इन गोंग इन चाइना. नाउ कम्स द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Non-renewable resources are the resources which exist in limited amount. ये बहुत limited amount में होते हैं non-renewable resources. Cannot be replaced easily. They take millions of years to be replaced. तो दोबारा से बनने में millions of years लग जाते हैं, उसके बाद वो replace हो सकते हैं. For example, fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas. Other minerals such as iron ore, copper and aluminium. Sand is also non-renewable. Sand bhi non-renewable resource hai. Their uses are given below. Ab natural gas is used as fuel in many vehicles. Dekhiye, natural gas jo hai, usse bahut sare vehicles chalne mein kaam aate hain, chalane mein. Vehicles run by petrol and diesel. Okay? Now, coal is the most important mineral used for generating heat and electricity. Heat and electricity generate karne ke liye sabse important jo mineral hai wo hai coal. Running steam engines and machines in factories. Petroleum is mainly used to produce petrol, diesel and other products. Petroleum ka use ye sab cheeze banane mein kiya jata hai. Petrol and diesel are used as fuel to run vehicles on land, air and water. Kerosene and liquefied petroleum gas LPG are used in cooking. जो हमारे घर में cylinders होते हैं उसमें LPG होता है और वो cooking के लिए use किया जाता है. Now interpretation, unique character of LPG makes it such a popular and widely used fuel. ये जो LPG है ये बहुत popular और widely used fuel है. Now children, spot inspect. Define human-made resources. Human-made resources क्या होते हैं? Things made by the human using the natural resources. जो इंसान जो चीज़ें बनाता है natural resources का use करके, उसे कहा जाता है human-made resources. Name two types of natural resources. दो तरह के natural resources कौन कौन से हैं? They are renewable and non-renewable resources. Okay? Write two examples of renewable resources. Do example likhne hai renewable resources ke, wind and water. Fine? And write two examples of non-renewable resources. They are fossil fuels and copper. These are the non-renewable resources. Now, need for conservation of resources. Kyun zarurat hai resources ko conserve karne ki? Natural resources are essential for our life. We are using up natural resources faster than they can be replaced. Hum natural resources ka bahut fast pace mein use kar rahe hain. उतना हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज रिप्लेस नहीं हो सकते जितना फास्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं. वी शुड नॉट वेस्ट आर रिसोर्सेज एंड यूज देम वाइजली. ओवर यूजेज एंड वेस्टेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लीड टू देयर डिप्लीशन. वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश ऑफ हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे. फॉसिल फ्यूल्स यूज द टू जनरेट एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट. और ये जो फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जाते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, इससे पॉल्यूशन फैला है एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन फैलता है. वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं? वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे इतने डिपेंडेंट हैं वो हमें कम कर देना चाहिए. वी शुड नॉट कट ट्रीज
गो फॉर एफॉरेस्टेशन और प्लांट मोर ट्रीज. हमें ट्रीज कट नहीं करने चाहिए और एफॉरेस्टेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए. एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. वी शुड यूज कार पूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन टू सेव फॉसिल फ्यूल्स. और ये फॉसिल फ्यूल बचाने के लिए हमें कार पूल करना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करके जाना चाहिए व्हीकल, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए. कलेक्ट रेन वाटर टू यूज लेटर. रेन वाटर का कलेक्शन करना चाहिए जिससे कि बाद में काम आ सके वो. क्लोज टैप्स व्हेन नॉट इन यूज एंड फिक्स लीकिंग पाइप्स टू सेव वाटर. टैप्स अगर यूज में नहीं है तो उनको बंद करके रखिए. और अगर कोई पाइप्स लीक कर रहे हैं घर में, कोई वाटर पाइप लीक कर रहा है, तो उसको ठीक करवाइए. नाउ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अभी हमने दोनों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस. टेबल शोन बिलो गिव्स द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो फर्स्ट वी विल रीड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन अबंडेंस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These resources can be generated over and over again. So they are also known as non-exhaustible resources. Examples include wind, water and sunlight. Ye to ho gaya renewable. Now let's read about the non-renewable resources. Resources that are found in abundance are called non-renewable resources. These resources can be replenished once finished. They are also known as exhaustible resources. Now the examples include fuel. Fuel mein kaun kaun se? Coal, petroleum, natural gas and metals like iron, copper, aluminium and gold. Now the catalog here, some difficult words. Afforestation, planting trees on an area of land in order to form a forest. Trees plant karna ek land pe, ek area jo mila hua hai, land ka ek area, usme trees plant karna jisse ki wo kuch dinon baad forest ban jaye, jungle ban jaye. Essential, extremely important. Natural gas, a gas that is found inside the earth and that can be used for heating or cooking. Petroleum, oil found under the ground or under the bottom of the sea and used for making petrol for cars and other chemical products. Now a look over to this chapter. A natural resource is something that is found in nature and can be used by people. जो नेचर में मिलता है और लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है नेचुरल रिसोर्स. सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल विच मीन्स दे कैन बी रिप्लेस्ड और ग्रोन बैक. वाटर, सोलर एनर्जी, विंड एंड बायोमास आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल्स इन मेनी व्हीकल्स. Now the estimation corner, children. Choose the correct option. Natural resources are of dash types. Kitne types ke hote natural resources? 4, 3, 2, 5. There are two types. Dash is an example of renewable energy resources. Wind, coal, petroleum, natural gas. Wind is a renewable energy resource. The world's largest solar power plant is in China, Bhopal, Mumbai, India. Kahan hai world ka largest solar power plant? It is in China. Dash is used for cooking. LPG, rainwater, wind, petrol. LPG is used for cooking. Collect dash for future use. Fuels, wind, rainwater, heat. We should collect rainwater for future use. Now fill in the blanks. डैश आर एसेंशियल फॉर आर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए क्या एसेंशियल है? नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आर लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज, फाइन. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ डैश. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Dash is used as fuel in many vehicles. बहुत सारे vehicles में इसको as a fuel use किया जाता है. That is natural gas. Natural gas. Dash energy is derived from
waste of plants and animals, biomass energy. It's the biomass energy, biomass. We should reduce our dependence on dash resources. कौन से रिसोर्सेज पे अपना डिपेंडेंस कम कर देना चाहिए हमें? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ चिल्ड्रन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. वी आर यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज स्लोअर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड. फॉल्स, हम फास्टर यूज कर रहे हैं. सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड यूजिंग प्रेशर कुकर्स. फॉल्स. Using solar panels. Use carpool and public transport more often. Yes, true. Natural gas is produced from coal. No, this is false. And the last one is renewable resources exist in limited amount. No, false. They are found in large amount. Answer the following questions. Why do we need to conserve resources? हमें रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए? वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज बिकॉज इफ वी यूज एट दिस पेस, एट सच अ फास्टर पेस, द दे विल कॉज टू द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अभी हमने लास्ट में टेबल पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जस्ट गो थ्रू दैट एंड राइट इट डाउन. वॉट इज सोलर एनर्जी यूज फॉर इन इंडिया? सोलर एनर्जी किस लिए यूज की जाती है इंडिया में? टू फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर हीटिंग पर्पजेज ऑल्सो. राइट द वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सो रीड इट एंड राइट इट डाउन. वॉट आर नेचुरल रिसोर्सेज? अगेन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है? द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर द नेचुरल रिसोर्सेज. सो चिल्ड्रन, हियर वी एंड अप विद दिस चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. जस्ट गो थ्रू इट वंस, फिर से पढ़िएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. Thanks for watching this video and we'll meet soon with a new chapter, something more interesting. Till then, stay happy, stay blessed and keep learning. Bye.